रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इंसानों ने बनाया अजीब और गरीब जानवर, भगवान ने दुनिया बनाई, पेड़ पौधे बनाए, इंसान को बनाया, फिर इंसान ने उसके बाद क्या क्या बनाया वो सब हमारी नजरों के सामने है। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि चांद तक जा पहुंचा है। हम वर्चुअल रियलिटी के जरिए अपने घर पर बैठे बैठे कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसान ने दूसरा मशीनी इंसान भी बना दिया है, और तो इंसान ने जेनेटिकल इंजीनियरिंग के जरिए जानवरों को भी बना दिया है। आज हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जानवर जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं, इसीलिए ये आम जानवरों से हटकर हैं। कई लाख साल पहले छिपकलियां उड़ा करती थीं, धीरे धीरे उनके शरीर पर पंख आने बंद हो गए, मगर जिम्बाब्वे के जेनेटिकल इंजीनियर्स ने कुछ ऐसी छिपकलियां तैयार की हैं जो उड़ भी सकती हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी काफी हटकर है, क्योंकि इसे पौधे और मकड़ी के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से ऐसे चिकन भी बनाए जा चुके हैं जिनके पंख नहीं होते। ये चिकन आम मुर्गों की तुलना में ज्यादा हेल्दी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट के यान विल्मट और किथ कैंपबल द्वारा तैयार की गई ये भेड़ पहली ऐसी स्तनधारी जानवर थी जिसे क्लोन की मदद से तैयार किया गया था। आप समझ सकते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय बाकी गायों से कितनी हटकर है। ये आम गायों से ज्यादा हष्टपुष्ट और दुधारू होती है।